हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल अ लाइफ विद हीना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और आज है 1 अक्टूबर, संडे का दिन है और दिन के हो रहे हैं अभी 3:15। तो मैं भी जाऊँगी गाय को घास देने। जैसे आपको पता है कि मेरे पास तो गाय है नहीं, तो मैं जाऊँगी आंटी जी की गाय को घास देने, क्योंकि वो लोग गए हैं बिलासपुर। आंटी जी के जो बड़े भैया थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो गए हैं वहाँ पे बिलासपुर, तो उनके घर में कोई नहीं है। तो मैं जाऊँगी घास देने और मैं पानी भी दिखा दूँगी गाय को। और कुनाल इस समय खा रहा है रसमलाई। मैंने होममेड तैयार किया है, मैंने घर पे ही बनाया है। और कुनाल कह रहा था कि मम्मा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो बोलता है मम्मा रसमलाई। तो एक बहुत ही छोटी सी जो है रेसिपी है रसमलाई की, बहुत आसान है, मतलब बच्चों को ठगने के लिए ठीक है। तो वो मैंने बनाई थी, तो वो खा रहा है और वो जा रहा है, रिटायरमेंट का फंक्शन है हमारे गांव में तो वहाँ जा रहा है। तो मैं तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे गले में है दर्द, जैसे थूक तक निगलने में जो है तकलीफ़ होती, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो कुणाल वहाँ पे जा रहा है और आपको आज मैं नज़र आ रही होंगी ये रुमाल लगा कर। तो हमारे गाँव में काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है, सुबह शाम गाड़ियाँ बहुत जाती हैं यहाँ से, तो सुबह शाम काफ़ी ठंड हो चुकी है। और मैं अंदर घर के अंदर ही रहती हूँ तो फिर मुझे थोड़ी बहुत ठंड लग जाती है। तो ये मैंने हाफ सा जैकेट पहना है घर के अंदर और रुमाल लगा लिया है। रुमाल इसलिए भी क्योंकि आजकल जो है काफ़ी हवाएं चलती हैं, तो धूल मिट्टी हर एक चीज़ उड़ती है, तो मैं इस तरह से करके ऐसे करके काम कर लेती हूँ और इससे जो है मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम से राहत मिलती है, एलर्जी नहीं होती है जब मैं अपने नाक को इस तरह से बंद रखूं। तो ऐसी बात है, अभी काफ़ी अच्छी हवा चली हुई है, मौसम भी मतलब ठीक ही है, बादल है और शायद हो सकती है बारिश भी लगे। तो पिछले कल मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि कुणाल के पापा गए थे लेह लद्दाख को, वो गए थे 29 को निकल गए थे वो मनाली से। और मनाली और ले जो हाईवे है उसके बीच में एक टॉप आता है बालालाचा करके, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब स्नोफॉल हो गई थी और कुणाल के पापा और जो दूसरे भैया वो मतलब वहाँ पे फंस गए थे बर्फ़ के बीच में, मतलब काफ़ी सारी गाड़ियाँ फंस गई थी। और प्रॉब्लम की बात ये थी कि वहाँ पे एक तो बर्फ़ था और दूसरा जो है खाना खाने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं था, क्योंकि जो वहाँ पे ढाबे जो होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो है गाड़ी लगी हुई थी काफ़ी सारी, तो उन्होंने सारा खाना खा लिया था वहाँ का, तो खाना नहीं मिला उनको। तो आज सुबह ही उनसे बात हुई मेरी और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, तो ये सब कुछ हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो आज जब उनसे बात हुई तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल को राहत मिली, तो ऐसी सी बातें हैं। तो अभी चलते हैं गाय को देते हैं घास पानी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये यहाँ पे कोको अंगड़ाई लेते हुए और यहाँ पे इसका भैया तैयार होते हुए, इसको बहुत जल्दी लगी इनसे जाने की, इसको घर में खाना नहीं मिलता ना बेचारे को। हाय गाइस, ठीक है, बाय बाय। तो चलिए चलते हैं गाय को घास दे के आते हैं। तो यहाँ पे रखी है इन्होंने मक्खियाँ सूखने के लिए, और इस बार मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ है फसल। और यहाँ पे है खीरा जो कि बीज के लिए रखा हुआ है। और इनके बगीचे में पलम, आरू, अमरूद, जापानी फल, खुरमानी, केला, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने लगाए थे टमाटर, ये टमाटर की खेती भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं मेरे गाँव के लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सिवाय मुझे छोड़कर। और ये था नींबू और यहाँ पे है उनका पुराना घर सामने। और चलिए चलते हैं, दे देते हैं गाय को घास पानी। यहाँ पे ये भी घास खा रही है और ये प्रेग्नेंट है। और दूसरी यहाँ पे ये छोटी, अभी पानी इन्होंने नहीं पिया, सिर्फ घास खाया। और यहाँ पे रखे हैं उपले बनाकर जो कि पूजा पाठ में यूज़ होते हैं, आग जलाने के लिए यूज़ होते हैं और मच्छरों को भगाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इन्हें करते हैं हम टाटा बाय बाय और चलते हैं, इसको रखते हैं ढककर, चलते हैं। अब कहते हैं चोरी।
करते हैं अमरूद की चोरी और देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड होगा तो मैं नहीं खा सकती ना, क्योंकि दांत ही नहीं बचे हैं। मजाक करी हूँ, है दांत। चलो फिर भी देखते हैं, वैसे कच्चे कच्चे हैं नीचे, तो पके हुए तो काफ़ी दूर है। ये देखो पके पके यहाँ पे भी, लेकिन ये सारे ख़राब हैं। ये देखो इतनी मीठी मीठी स्मेल आ रही ना यहाँ से, बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली स्मेल आ रही है। तो ये है अमरूद, और इसे हम धोएंगे नहीं, इसे हम इस तरह से कपड़े में साफ करके फिर से टेस्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं खाया जाएगा मुझसे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, मतलब इतना हार्ड कि दांतों में दर्द हो गया। चलो इनको करते हैं बाय बाय और चलते हैं वापस, क्योंकि ये तो खट्टे हैं, वो है ना लोमड़ी की स्टोरी, अंगूर खट्टे हैं, वही बात है। एक मिला मुझे यहाँ पे थोड़ा पीला पीला सा, इसको भी ट्राई करते हैं, है तो वहाँ पे भी नज़दीक में ना। ये टेस्टी है। ओके, तो अभी आ गया था दीदी का फ़ोन और मैंने निकाल दिए हैं अमरूद, दिखाती हूँ मैंने निकाल दिए वहाँ से। चोरी करने में तो बहुत तेज़ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, और थक गई। तो अभी मैं आई हूँ खेतों में घास निकालने, मैं घास निकाल दूँगी, फिर भैया जो है ट्रैक्टर लगा देंगे, उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे लहसुन और मटर और प्याज, देखते हैं। तो चले चलते हैं। देखो मम्मा पूरी गिली हो गई। और ये देखिए, ये लगी है बारिश, अचानक से लगी है बारिश एकदम से ही, और हम हो गए पूरे गीले। ऐसे पता नहीं चल रहा ना, ऐसे लग रहा पता कि बारिश लगी थी और बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो मैंने छोटी सी वीडियो भी साथ में ऐड की है, और ये वीडियो मुझे भेजी थी कुणाल के पापा ने, ये बताने के लिए कि किस तरह से वो रास्ते में फंस गए थे स्नो की वजह से, और यहाँ पर जो है रात को 2 से 3 फुट के करीब बर्फ़ लगी हुई थी, और इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर फंस चुकी थी, और ना ही कुछ खाने को यहाँ पर मिल रहा था, और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ चली हुई थी। तो अच्छा हुआ कि गाड़ी में जो ब्लोअर था, तो उनका जो है उनकी रात कट गई, रात के दिन भी कट गई ब्लोअर की वजह से, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो ये देखिए हो रहे हैं 8:15 होने वाले हैं। तो बारिश में भीगने के बाद मेरे बाल हो गए थे बहुत ज़्यादा फ्रिजी, तो मैंने कहा चलो इसे धो लेती हूँ, और नहाने धोने के बाद पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और डिनर भी हमने कर लिया है, बर्तन साफ़ कर लिया है, और अभी है टाइम रेस्ट करने का, तो मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट और
टीवी देखेंगे, और बालों में कंघी भी करनी है मुझे, तो वो भी मैं कर लूँगी, और इस ब्लॉग की भी मैं यहीं पे एंडिंग करूँगी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को अल्लाह पीर हीना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जितना हो सके मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में शेयर करें और उनसे कहें सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।